बुधवार को यदि आपको किसी भी सरकारी कार्यालय में काम है तो पहले पता कर लें कि कहीं उस कार्यालय के कर्मचारी हड़ताल पर तो नहीं। दरअसल बुधवार को केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही बैंक, बीमा और बीएसएनएल के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अजमेर में इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए कर्मचारी संगठनों ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के 11 राष्ट्रीय कर्मचारी संगठनों ने बुधवार को हड़ताल की घोषणा की है। इस एक दिवसीय कर्मचारी हड़ताल में केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही बैंक, रोडवेज, बीमा और बीएसएनएल के कर्मचारी भी शामिल होंगे। हड़ताल का व्यापक असर आम जन पर दिखाई देने की संभावना है। हड़ताल को लेकर बनाई गई रणनीति के तहत अजमेर में सभी हड़ताली कर्मचारी अलवर गेट स्थित एलआईसी के मंडल कार्यालय से रैली के रूप में रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए कचेरी रोड पहुंचेंगे, जहां आम सभा का आयोजन किया जाएगा। हड़ताल का समर्थन कर रहे कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी सरकार ने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया तो आगामी 23 नवम्बर को फिर हड़ताल की जाएगी। देश भर के विभिन्न मजदूर संगठनों ने, जिसमें एटक, इंटक, हिंद मजदूर सभा, सीटू सहित तमाम 11 नेशनल सेंटर्स के ट्रेड यूनियन संगठन हैं, जिन्होंने कल की देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। विभिन्न मजदूर संगठनों ने लगातार भारत सरकार से मजदूरों की जो जायज मांगे हैं उनके लिए समय समय पर चर्चा की है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स से लगातार बातचीत हुई। मिनिमम वेजेस बढ़ाने की बात हो या नई पेंशन स्कीम को समाप्त करने का मुद्दा हो, बोनस की सीलिंग लिमिट बढ़ाने की बात हो, बेरोजगारी और महंगाई की समस्या को लेकर के बात हो, सामाजिक सुरक्षा की बात हो, हर विषय पर सरकार ने केवल आश्वासन दिया और किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय लेने की बात नहीं की। इसके तहत मजबूर होकर के मजदूर संगठनों को ये निर्णय लेना पड़ा और इसके तहत देश भर में तमाम संगठनों ने, तमाम उद्योगों ने ये निर्णय लिया है कि 2 सितंबर को देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि भारत सरकार मजदूरों की डिमांड पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है तो 23 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनमें डीपीसी नहीं हो रही है। हमारे एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के अंदर 38-38 साल से आदमी एक ही पोस्ट पे लगा हुआ है और उनकी डीपीसी नहीं हो रही है। अब वो अगर सरकार अगर 2 साल कम करती है तो वो तो बेचारा बिना प्रमोशन लिए रिटायरमेंट हो जाएगा। इसी तरह अध्यापकों की भी है और जो ट्रेड यूनियंस है उनकी है, राजस्थान पथ परिवहन निगम की है और शिक्षा की अलग है, सिंचाई विभाग वालों की अलग है, आयुर्वेद वालों की अलग है, इसके अंदर सारे कर्मचारियों का कॉल है। तो बिल्कुल ये सरकार की तरफ एक तरीके से हमारी जितनी भी मांगे पेंडिंग पड़ी है ना, उनकी तरफ से हम सरकार को ध्यान आकर्षण कराएंगे कि साहब अब तो समय निकल गया, 2 साल पूरे हो गए, अब हमारी तरफ भी ध्यान दो, हमारी मांगे भी पूरी करो।